जहां एक तरफ पूरे जिले में भीषण गर्मी से लोगों का जीना दुभर हो गया है, सड़कों पर चलना मुश्किल है। ऐसे में लोगों को जब ठंडा पानी पीने को मिलता है तो काफी सुकून मिलता है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवी आरजू खातून के सौजन्य से आरा शहर के विभिन्न जगहों पर रास्ते में चल रहे राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई, जिसकी शुरुआत आज गोपाली चौक घंटाघर से की गई, जहां सैकड़ों राहगीरों को बोतल का पानी, बिस्किट, बतासा और साथ ही पीने के पानी का स्टॉल लगाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में युवा मौजूद रहे और उमस भरी गर्मी में सड़कों पर अपने काम से निकले लोगों के बीच पानी का वितरण किया। यह मुहिम आगे भी जारी रहेगा, जब तक भीषण गर्मी है तब तक यह मुहिम चलता रहेगा। आज के इस मुहिम में अब्दुल्ला कुरैशी, अमजद हुसैन, आमिर इमाम, बबली बिट्टू, शादाब इस्तिकार, जमाल फैजी, सुहैल इमरान, शहनवाज मकसूद आदि लोग मौजूद रहे। बता दें कि समाज सेवी आरजू खातून के द्वारा सेवा ही धर्म बैनर के तले इस शीतल पेयजल वितरण की शुरुआत आज गोपाली चौक घंटाघर से की गई, जहां लोगों के लिए शीतल पेयजल के साथ ही बिस्किट और बतासा भी रखा गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई युवाओं का अहम योगदान रहा, जिन्होंने सड़कों पर गुजर रहे राहगीरों को, ठेला चालकों को, रिक्शा चालकों को अपने हाथों से शीतल पेयजल पिलाया। आज घंटाघर के पास जो आरजू खातून है उनके सौजन्य से, सहयोग से यहाँ पर जो भीषण गर्मी को देखते हुए हम लोगों की तरफ से, आरजू खातून की तरफ से बिस्किट, पानी, बताशा वगैरह का वितरण किया जा रहा है। जिस तरह हम लोग ठंडे में कंबल और लकड़ी का व्यवस्था करते थे, उसी हिसाब से अभी भीषण गर्मी को देखते हुए बहुत सारी जगह हम लोग पानी का स्टॉल लगवा रहे हैं, आगे भी लगता रहेगा। कि पानी है, बिस्किट है, जो भी हो, मतलब देखते हुए आदमी आगे भी पानी लगवा रहा है कि कम से कम राहगीरों को, मुसाफिरों को। अभी बहुत सारी जगह चापाकल वगैरह नजर आ ही नहीं रहा, सब सूख गया है। तो जहाँ तक आप ये जल आदमी व्यवस्था लगा रहा है, कम से कम राहगीरों को पानी कम से कम मिल सके, इसी को देखते हुए गर्मी को आरजू खातून की तरफ से स्टॉल लगाया गया है। अभी तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं, देखते हुए अभी तो गोपाली चौक पर लगा है, आगे भी देखिए चलता रहेगा जैसे पास नहीं चलता रहेगा, ये धीरे धीरे सभी चौक जो रहा है इसको बढ़ाया जाएगा और इस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा हर चौक चौराहे पे इसको हम लोग लगाने का कार्य करेंगे। और यहाँ पानी का स्टॉल जो लगाया गया है, स्पेशली यहाँ पानी का स्टॉल लगाया गया है और वाटर बोतल भी रखा गया है कि रिक्शा वाले, टेम्पो में जो यात्री जा रहे हैं उनको घूम घूम कर हम लोग पानी का बोतल दे रहे हैं, जो लोग उतर के नहीं पी पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और इस आपदा के टाइम में, भीषण गर्मी के टाइम में, ये प्रेरणा इस समाज सेवी के माध्यम से लेना चाहिए और लगभग सभी लोगों को इससे प्रेरित होना चाहिए। यहाँ की मौजूदा सरकार, यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के मौजूदा मेयर, डिप्टी मेयर, सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये प्रचंड गर्मी को देखते हुए शहर के हर हिस्से में इसी तरह का एक नेक काम किया जाए, जो हमारी पूर्व चेयरमैन, हमारे पूर्व मेयर प्रत्याशी श्रीमती आरजू खातून की तरफ से जो ये सराहनीय कार्य किया गया है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि शहर के और भी हिस्सों में इस काम को किया जाए, क्योंकि जो लोग दूर देहात से यहाँ मार्केट में आते हैं उनको पीने का ठंडा पानी नहीं मिल पाता, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है सरकार की तरफ से, यहाँ के मेयर की तरफ से, यहाँ के डिप्टी मेयर की तरफ से, या यहाँ के जो 45 वार्ड है और उन 45 वार्ड में जो 45 आपके वार्ड पार्षद है, कम से कम वो अपने पार्षद भी है, जो भी अपने मोहल्ले में गली में कल चौराहे पर ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये जो गर्मी है और आज से हम लोगों ने इनके बैनर के तले, आरजू खातून के बैनर के तले ये काम किया, सेवा काम करने का काम शुरू किया गया है। और मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी इस कदम में हमारे साथ हम कदम हो और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए।